हे गाइस, और एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक कमेंट आप सभी ने बहुत बार किया है कि भाई हमने एक वेबसाइट से कुछ प्रोडक्ट मंगवाया है, जैसे कि शर्ट, टी शर्ट या फिर जो है कुर्ता। तो ये सब कुछ हमने जो प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ देख के मंगवाया था, जो वेबसाइट है उसमें कुछ फ़ोटोज़ भी था, प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ तो ऐसे होते हैं, तो वो फ़ोटो देख के हमने प्रोडक्ट मंगवाया। और जो प्रोडक्ट हमें रिसीव हुआ, जो डिलीवर हुआ, वो प्रोडक्ट बिल्कुल उससे अलग है। अभी उस प्रोडक्ट को हमें रिटर्न कैसे करना है, उसका पैसा हमें कैसे वापस करना है और ऐसे फ्रॉड से हमें कैसे बचना है, ये सभी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो बस उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जिन लोगों के साथ ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका है, बल्कि ये वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जिन लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करने का जो है शौक है। तो दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। और साथ ही साथ अगर नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल का 95.7% यानी कि 100 में से 95 लोग जो है हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। जो लोग हमारे वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि दोस्त, अगर आप हमारे चैनल का वीडियोस देखते हो और अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो नीचे हमारे चैनल के नाम के पास में जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का, उस लाल वाला बटन को एक बार दबा दीजिएगा और उसके पास में एक बेल वाला आइकॉन आएगा, उसको जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि वो अगर आप करेंगे तो हमारे नेक्स्ट जो भी वीडियोज आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और साथ ही साथ हमारे वीडियो जो है और भी बहुत सारे लोगों के पास पहुंचेगा। तो रिक्वेस्ट रहेगा कि उस बटन को, उस सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर तो नहीं बढ़ रहा है, तो इसी के लिए रिक्वेस्ट है। तो चलिए बिना बात बढ़ाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि दोस्तों ये जो फ्रॉड कर रहे हैं ये लोग कौन है और कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये फ्रॉडर वही लोग हैं जो लोग चोरी करते हैं, वैसे ये फ्रॉडर भी हैं जो लोगों से चोरी ही करते हैं, क्योंकि आपको प्रोडक्ट के नाम पे फुटपाथ के 2-4 प्रोडक्ट भेज देते हैं या फिर बहुत टाइम भेजते भी नहीं है, बस आपका पैसा जो है आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद आपको प्रोडक्ट नहीं भेजते अगर आप प्रीपेड करते हो। पर आप कैश ऑन डिलीवरी जब करते हो तो वो लोग भेजने में मजबूर है और भेज भी देते हैं क्योंकि आपको उसका ज़रूरत है। और क्या होता है तब दोस्तों कि वो जो है फुटपाथ से कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं और आपको भेज देते हैं। दोस्तों, वही चोर वाले लोग जो है बैठे हुए हैं वो हमारे से भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कि उनको पता होता है कि उनको क्या करना है, नहीं करना है, कैसे उसको पैसा कमाना है। दोस्तों, ऐसे ही वो फ्रॉड लोग ही कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं दोस्तों? वो लोग जो है ना बहुत सारे वेबसाइट्स क्रिएट करके रखे हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसा वेबसाइट उन्होंने क्रिएट करके रखा है और उन सारे वेबसाइट में कुछ प्रोडक्ट्स की फोटोज़ और डिटेल्स वहाँ पर ऐड करके रखते हैं, बाय करने का ऑप्शन देते हैं, पेमेंट करने का ऑप्शन देते हैं। और हमारे जैसे जो नॉर्मल लोग हैं जिनको शॉपिंग करने में अच्छा लगता है, वो उन सारे लोगों को वो जो वेबसाइट वो दिखता है, उसका प्रोडक्ट का फोटोज़ दिखता है, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर एड्स भी चलाते हैं यूट्यूब फेसबुक पर, हमें वो देखने को मिलता है और जब हम उसको देखते हैं हमें अट्रैक्टिव लगता है फोटो वो पीस, तब हम उसको ऑर्डर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब जो प्राइस रहता है ना वो भी बाकी जो भी वेबसाइट्स है जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन उससे बहुत ज़्यादा कम रहता है, ठीक है। तो उसीलिए हम उसे बाय करने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं और बाय करने के बाद हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। अभी दोस्तों बताएंगे कि जिन लोगों का पैसा ऑलरेडी चला गया है, मतलब जिन लोगों के साथ ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका है, जिनका पैसा बर्बाद हो चुका है, उन लोगों को क्या करना है, उनका क्या पैसा वापस आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से 3 साल पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि मैंने भी फेसबुक पे एक ऐड देखा था जहां पर 5 डेनिम शर्ट वहां पर दिखाया जा रहा था 1400 रुपीज़ में, और मैंने भी वो देख के ही बस उसको ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि मुझे भी तब उतना ज़्यादा नहीं पता था। मुझे पता था कि फ्रॉड होता है पर मुझे उतना मतलब ऐसे अच्छे तरीके से उस वेबसाइट को डिज़ाइन किया गया था कि मुझे लगा कि भाई ये जेन्युइन है, और मैंने वहाँ पर 1400 रुपया लगा दिया था और मुझे जो शर्ट्स मिले थे वो एकदम बेकार शर्ट्स मिले थे, जो पहनने के लिए भी मुझे मतलब ऐसे तकलीफ उठाना पड़ा कि क्यों पहना हुआ, वो लग रहा था कि कोई बंदा जो है हमसे दुश्मनी करके वो अलग से ही बनवाया है कि ये पहन ना पाए इस शर्ट को, ऐसे बनवा के हमें जो है भेजा था, मतलब वही लगा था। और उसके बाद मैंने बहुत कोशिश किया उसको रिटर्न करने का, कोई मुझे ऑप्शन नहीं मिला। मैंने उस कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश किया फेसबुक जो है उनका पेज के थ्रू, जिस पेज में वो जो ऐड आया था वहाँ पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था, और साथ ही साथ मैंने कंज्यूमर कोर्ट में जाने का फैसला लिया, वहाँ पर भी कोई काम नहीं हुआ, और आखिरकार मेरा पैसा डूब गया था और वो शर्ट मैंने जो है रख दिया था, लोगों को दे दिया था। और वैसे ही बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा और अगर नहीं हुआ तो होने ही वाला है। तो ये चीज़ कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया, अभी इसके लिए आप कुछ कर सकते हो। मैंने जो स्टोरी सुनाया है मेरा, इसके मतलब ये है कि दोस्तों आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, इसको रिटर्न नहीं कर सकते। पर एक चीज़ यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ये इंडिविजुअल वीडियो नहीं बनाया कि भाई एक वेबसाइट के बारे में मैं बता रहा हूँ, उस वेबसाइट में क्या करना है, कैसे रिटर्न करना है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। इस वजह से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जिस वेबसाइट से आप प्रोडक्ट खरीदे थे उस वेबसाइट को सबसे पहले चेक कीजिए कि वहाँ पर रिटर्न की ऑप्शन है कि नहीं, अगर होगा तो कोशिश कीजिए उसको रिटर्न करने की, अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं होता है तो
कोई चांस नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग कोई भी प्रूफ नहीं छोड़ दें। अगर आप कहीं पर ऑर्डर भी प्लेस किए हो तो आपको ऑर्डर डिटेल्स भी नहीं मिलते, मतलब ऐसा ही घटिया कंपनी है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग सोचते हैं दोस्तों कि भाई ईकर्ट ने हमें प्रोडक्ट देके गया तो ईकर्ट ने वो फ्रॉड किया, डिलीवरी ने वो प्रोडक्ट देके गया तो डिलीवरी ने फ्रॉड किया, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और इसके बारे में मैंने ज़्यादा बात इस वजह से नहीं किया ईकर्ट के बारे में क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, आई बटन में आपको मिल जाएगा, वीडियो को जरूर देख लेना। और एक चीज़ मैं बताऊंगा कि वीडियो को देखे बिना कमेंट मत करना, जरूरत नहीं उन लोगों का कमेंट जो लोग वीडियो नहीं देखते पर कमेंट करते हैं, मतलब कमेंट करके वही चीज़ आपसे पूछेंगे जो चीज़ ऑलरेडी आप वीडियो में बता चुके हैं बहुत अच्छे से। तो इसी वजह से मैं बताऊंगा कि वीडियो को ज़्यादा अच्छे से देखो, आपको फिर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और तीसरी बात दोस्तों ये है कि जिन लोगों के साथ अभी तक फ्रॉड नहीं हुआ उनको क्या करना है इन सारे फ्रॉड से बचने के लिए। तो दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पर बताऊंगा, जो वेबसाइट्स के बारे में लोगों को पता है, जिन सारे कंपनीज के बारे में लोगों को पता है कि ये सारे कंपनीज अच्छे हैं, बड़े बड़े कंपनीज, और इन सारे कंपनीज अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बेचते हैं ऑनलाइन, तो फिर वही जगह से आप शॉपिंग करिए ना। आपको क्या जरूरत है वैसे वेबसाइट में जाने की जहां पर आपका खतरा हो सकता है आपका पैसा का, तो फिर वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं है ना। और एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको कन्फ्यूज़न लगता है कि भाई ये अच्छा है कि बुरा है, तो या फिर आपको जो है गूगल या फिर यहाँ पर यूट्यूब पे आके उसको सर्च करना कि एक्चुअल में जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई ऐसा जो है ऑरिजिनल रहेगा या फिर डुप्लीकेट भी रहेगा तो यूट्यूब पर ऑलरेडी उसमें वीडियोज़ बना के रख देते हैं। पर अगर ऐसे नया किसी बंदे ने उसको स्टार्ट किया तो उसके बारे में किसी को पता ही नहीं होता, तो फिर जो है उसके बारे में वीडियोज़ भी नहीं रहता। तो जो पॉपुलर नहीं है जिसके बारे में किसी को नहीं पता वहाँ से आपको प्रोडक्ट बाय नहीं करना है। अगर आपको बाय करना है तो फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर मिंत्रा देखो, वहां पर अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ का प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए तो जाके आप दुकान में देखो ना। पर वहां पर वैसे वेबसाइट में कहां क्यों जा रहे हो जहां पर आपको बिलीव ही नहीं है कि भाई हाँ यहां से आपको फ्रॉड हो सकता है। सो यही मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि हमेशा जो ट्रस्ट ओरदी है जहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट जो है बाय करूँगा, अगर वो प्रोडक्ट खराब भी आया तो भी मुझे पैसा मिल जाएगा, मुझे रिटर्न रिफंड मिल जाएगा, तो वही जगह से आप बेझिझक बिना रिस्क लिए वहाँ से प्रोडक्ट बाय करो। वैसे वेबसाइट में जो है बाय मत करो, और ऐसे जो है अच्छे तरीके की फोटोज़ देख के ऐसे पिघलने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो अच्छे होते हैं उसका प्राइस भी अच्छा होता है, प्राइस भी ज़्यादा होता है, पर वो लोग जो है जो फ्रॉड करते हैं वो बहुत कम रेट वहाँ पर रखते हैं और उसके बाद आपको फ्रॉड देके उल्लू बना के चले जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारे चीज़ों से आप सेफ रहिए। और कोई भी क्वेश्चन हो आपको इस वीडियो में मैंने जो भी बात किया इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है, मतलब इसके बारे में अगर समझने में कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करो। पर अगर इसी के बारे में आप जो मैंने बताया है उसी के बारे में फिर रिपीट करोगे तो वो बुरा लगता है, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने की। और इस वीडियो में इतना ही था, आशा करती हूँ आपको ये सब कुछ क्लियर हो चुका है डाउट कि ऐसे कोई वेबसाइट से बाय नहीं करना है, जो ट्रस्ट रोड थी जिसके बारे में लोगों को पता है वहाँ से ही बाय करना है। सो इस वीडियो में इतना ही था, और एक रिक्वेस्ट रहेगा लास्ट, और मतलब एट द सेम जो मुझे करना ही है रिक्वेस्ट कि दोस्तों प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 95.7% यानी कि 100 में से 95 लोग, 5 लोग बस सब्सक्राइब किए हैं, बाकी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, जितने लोग हमारे वीडियोज़ देखते हैं, तो ये बहुत ख़राब बात है मुझे लगता है। तो आप वो लाल वाला बटन उसको काला पीला जो करना है करो, पर सब्सक्राइब जरूर कर देना, उसको ठोको एक बार, और उसके बाद जो है जो करना है करो, रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। सो इस वीडियो में इतना, सो नेक्स्ट वीडियो टेक केयर फॉर योरसेल्फ योर फैमिली एंड द नेशन, सो बाय बाय, जय हिंद।